मिलकर पाकिस्तान को $3 अरब इमदाद देगा, मुशीर खजाना का ट्विटर पैगाम। कहा रकम पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर का हिस्सा बनेगी, रकम के इस्तेमाल पर कोई रोक टोक नहीं होगी, रकम बैरूनी कर्जों की अदायगियों या तरक्याती बजट पर इस्तेमाल होगी, कतर पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी भी करेगा, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे, अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास में फैसला। इजलास में APC के एजेंडे पर हतमी मुशावरत, बजट में अपोजिशन के पेश करदा मुतालबात जर को हतमी शक्ल दे दी गई। मैं IMF नहीं जाऊंगा, मैं इस मईशत को अंडों कट्टों मुर्गियों से दुनिया की बेहतरीन मईशत बनाऊंगा। ये ख्वाब बेचने वाला आज महज ऊबर कंपनी का ड्राइवर बन चुका है और हर राइड पर 5 स्टार मांगता है जनाब स्पीकर। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी, कहा वजीर आजम धमकियों पर उतर आए हैं। तीसरा बजट हुकूमत की थर्ड क्लास परफॉर्मेंस का सबूत है, रोजगार खत्म और महंगाई बढ़ रही है, दुकानदार बददुआएं दे रहे हैं, ऐवान सदर तोते उड़ा रहा है, आज पूरा पाकिस्तान सुलग रहा है। ये तीसरा बजट नहीं, ये मौजूदा नालायक और नाअहल हुकूमत की थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है जनाब स्पीकर। टैक्स दर टैक्स दर टैक्स दर टैक्स, कोई पूछे तो कहना खान आया था जनाब स्पीकर। इमरान खान ने कौम से किया एक वादा पूरा नहीं किया, कौम इन्हें कभी NRO नहीं देगी, हमजा शहबाज की सख्त तनकीद। कहा किसी की बीमारी पर सियासत ना करो, ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। इमरान खान ने 10 माह में मुल्क की हालत खराब कर दी, आने वाले हफ्ते और महीने मजीद महंगाई की खबर लेकर आएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तनकीद, सहाफियों से गुफ्तगु, कौमी असम्बली में सेलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल करने की पाबंदी के सवाल पर बोले, देख लें अब इस पर भी इन्हें तकलीफ हो रही है, इस पर कानूनी माहिरीन से बात करता हूं, पार्लियामेंटेरियन से भी मुशावरत करूंगा, पता करते हैं ये पाबंदी लगा भी सकते हैं या नहीं। किसी पार्लियामेंट में चोर डाकू भी कहा गया और पार्लियामेंट पर लानत भी भेजी गई थी और अब सिलेक्टेड से तकलीफ हो रही है सर, देख लें आप। और वजीर आला KPK की जेर सदारत हंगामी पोलियो इजलास, वजीर आजम के मुआविन बराए पोलियो बाबर बिन अता की शिरकत, पोलियो पर काबू पाने के लिए हंगामे इकदाम का फैसला। मुहिम के दौरान महकमे सेहत के अख्तियार कमिश्नर्स को दिए जाएंगे, इनकारी वालदैन के खिलाफ FIR नहीं काटी जाएगी, प्रोपेगेंडे के खिलाफ मोहब्बत से जंग लड़ेंगे।